उनके गीतों की लिस्टिंग करके आई हूँ। पता नहीं आप लोगों ने सुना है या चूक गए हैं उनके भोजपुरी के गंदे गीत। मैं आज उनके गीतों का पोस्टमार्टम करने आई हूँ। आप लोग बताइएगा कि ऐसा फूहड़, ऐसा छिछोरा गायक आप संसद में देखना चाहते हैं? नहीं ना, एक बार बोलिए देखना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, आप लोग जागरूक लोग हैं और मुझे पता है कि ऐसे लोगों को सबक सिखा के रहेंगे आप लोग। फिलहाल मैं आप लोगों के सामने एक गीत माननीय रिंकिया के पापा का जो गीत है वो इस स्क्रीन पे मैं प्ले करूंगी। थोड़े से आप असहज भी हो सकते हैं। जब इस गीत को मैं रिसर्च कर रही थी, इसकी लिस्टिंग कर रही थी, इसके बोल इतने वाहियात और घटिया हैं कि मैं भी थोड़ी सी असहज हो गई थी। लेकिन आपको जानना ये जरूरी है कि आप किसको चुनने जा रहे हैं, किसको आपने दो बार से चुना है, आपको ये जानना जरूरी है। मैं तो गलती आपका भी देखती हूँ कि जिनको आपने सांसद बनाया है आप उनके गीत सुने हैं? और सुने हैं तो जरा मुझे बताइए कि ये गीत आप अपने घर परिवार के साथ सुन सकते हैं क्या? मैं प्ले कर रही हूँ। गीत के बोल है, नहीं सुने जा रहा है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इस गीत के बोल सुना दे रही हूँ। मनोज तिवारी जी गा रहे हैं कि आगे से डालब हो पीछे से डालब, न छोड़ा बगाड़ी पिछाड़ी, हरियर में पियर मिला के डालब तो चमके लगी चोली साड़ी। कितना गंदा है गीत ना, मैं नहीं चाह रही थी। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से प्ले कर दूंगी, मैं यहाँ से प्ले कर दूंगी और आप लोग सुन लेंगे और मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन पता नहीं अब यहाँ पे जो भी समस्या है माइक का, चाहे जो भी, ये प्ले नहीं हो पा रहा है, ये आवाज आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। और भी इनके बहुत सारे फूहड़ गीत हैं, कब देबू, कहाँ देबू, जब देबू, जहाँ देबू, ले लेना पानी तैयार, कब आयो जब भैया हमसे बोलने दीजिए, कब डाली, कहाँ डाली, जब फलाना ढिंकाना, बहुत फूहड़ गीत। नहीं नहीं, रहने नहीं दूंगी भैया, यही तो बात है। ओके ठीक है, मुझे लगा आप मुझे बोल रहे हैं। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ बात करना ही भोजपुरी में अश्लीलता को प्रोत्साहित करना है। मुझे लगता है कि अगर मतलब रोग की बात नहीं की जाएगी तो रोग तो और बढ़ेगा ना भैया। लोग कहते हैं बताओ तुम तो लड़की होकर के ऐसा कैसे बोल सकती हो इतने गंदे गीत। वो संसद पहुंच गए इतने गंदे गीत गा करके भाजपा के टिकट पर, और मैं उनके गीतों के बारे में बता भी नहीं सकती हूँ क्या? मैं पूर्वांचल से आती हूँ और मैं बिहार की बेटी हूँ। मैं आप लोगों को आज बता देना चाहती हूँ कि मनोज तिवारी जी के गंदे और फूहड़ गीतों को गा गा कर हमें छेड़ा गया है। मनोज तिवारी जी गाना गाते हैं, बबुनी के लागल व शहर के हवा उड़ी पढ़ा हुआ, कहानी की गंगे में नौवा लिखा हुआ उड़ी पढ़ा हुआ। अपनी बेटी को तो लंदन अमेरिका पढ़ा रहे हैं, है ना? नेताजी लोगों की मैं बात कर रही हूँ, माननीय रिंकिया के पापा की भी मैं बात करूँ तो अपनी बेटी को तो शहर पढ़ाने भेज दिए, बाकी पूर्वांचल के लोगों को डरा दिए कि बाहर पढ़ने जाएगी आपकी लड़की तो क्या पता किसी से प्रेम कर लेगी, आपके मन से फिर ब्याह शादी नहीं करेगी। आप समझ रहे हैं, पूर्वांचल की न जाने कितनी लड़कियों का शिक्षा बाधित किया है मनोज तिवारी जी ने अपने फूहड़ और अश्लील गीतों से। वो बेटियां, वो महिलाएं जो आज घर में चूल्हा चौका कर रही हैं, वो डॉक्टर बन सकती थी, इंजीनियर बन सकती थी, कलेक्टर बन सकती थी, वो पार्लियामेंट जा सकती थी, लेकिन वो घर में चूल्हा चौका करने का काम कर रही हैं क्योंकि मनोज तिवारी। मेरा खुद शिक्षा बाधित हुआ है, मैं बनारस जाना चाहती थी, मेरे यहाँ भमुआ जिला से काफी पास में है बनारस, तो मैं वहाँ पढ़ने जाना चाहती थी, तो मेरी मम्मी ने यही गाना गा करके मुझे बताया था कि बाहर जाओगी तो शहर की हवा लग जाएगी तुम्हें, जो भी पढ़ाई करनी है यही पढ़ाई करो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मनोज तिवारी जी एक नंबर के झूठे और महिला विरोधी गायक हैं। झूठा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने एक जगह जाकर के बोल दिया कि अरे वो लड़की, उसको तो भोजपुरी ही नहीं आती है मेरे बारे में, और मैंने 250 से 300 गीत अपने भोजपुरी में लिखे हुए हैं और गाए हुए हैं, और मैं आज आप लोगों को वो गीत भी सुनाना चाहती हूँ। अब आप लोग बताएंगे कि मुझे भोजपुरी आती है कि नहीं आती है। आती है, मैं अभी गीत सुनाना चाहती हूँ। अब देखिए, मैं बहुत मनोरंजन शायद ना कर पाऊँ वो लहंगा चोली वाला, मैं तो बेरोजगारी और महंगाई के गीत गाती हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं?
एक गीत मैं सुना रही हूँ बेरोजगारी का, आप लोग प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। और नौजवान बेरोजगार मेरे भाई लोग भी बैठे खड़े हैं, आप लोगों से भी ये आप लोग साथ देंगे, मेरा साथ देंगे नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा जोश के साथ। देखिए गर्मी हमें भी लग रही है, देंगे ना भोजपुरी बुझाता ना, सबका बुझाता। अरे भीख नहीं हम सरकार मांगिला, भीख नहीं हम सरकार मांगिला, बेरोजगार बनी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बनी साहेब रोजगार मांगिला, भीख नहीं हम सरकार मांगिला, भीख नहीं हम सरकार मांगिला, बेरोजगार बनी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बनी साहेब रोजगार मांगिला। ऐसा बाबा आप कैसे लोग, आप लोग जगह लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को लग रहा है कि हम कौन सा बेरोजगार है, हम क्या है ताली है, ऐसे काम नहीं मिलेगा। आप नहीं बेरोजगार हैं, आपके बच्चे तो बेरोजगार हैं ना महाराज। अच्छा मैं आप ही की बात कर रही हूँ, ताली बजनी चाहिए महाराज, नहीं तो मेरा मनोबल डाउन हो जाएगा।
खाली खाली फोटो खाली दाढ़ी बढ़ावे खाली फोटो खिंचावे करते हैं जुमलेबाजी। अरे बनेल खुद के विश्व गुरु एक ऐसे हैं बलबाजी। जय माँ दुर्गे जय माँ काली शेरा वाली भेजा बहाली मुखातम कर लड्डू चढ़ाई संगम वाले बजरंग बली। कब ले रही हम बेरोजगार सुनाए मोरे महामहिम ये महानुभावी है विश्व गुरु सन्यासी। अरे अयोध्या के तार दिल बड़ता दिले बड़कासी। ये महामहिम ये महानुभावी है विश्व गुरु सन्यासी। अयोध्या के तार दिल बड़ता दिले बड़कासी। अरे हमारो के तार दो किस्मत सवार दो नवहन के हाथ सर तार रोजगार दो। जिंदगी बहुत
मच्छर अच्छर भी उड़ रहे हैं भाई, मुझे लगता है मेरे मुंह में मच्छर चला गया है। कोई बात नहीं, संता जी की देन है, ये भी संता जी की देन है। नहीं हाँ, कह सकते हैं 5 साल का विकास है ये। घर के खर्चा सोची माथा चकरा तो काटे हो, यही से और बाउर न सावा धरा तू बाटे हो। बालम बच्चा में हरारू छोड़ के कुही ले जिया, अरे दुई रुपया की खातिर भैनी फिफिया, दुई रुपया के खातिर भैनी फिफिया। छठ अस बीत जाला न घर जात बानी हो, छठ अस बीत जाला न घर जात बानी हो। कके दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो, कके दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। कोई बात नहीं, मैं पानी पी लूं, मुझे लगता है कभी कभी हो जाता है ना ऐसे, मच्छर अच्छा आके अटक जाता है। बहुत मच्छर है ना, अच्छा तो मच्छर नहीं, इसे विकास समझना। विकास से मुझे याद आया और बोला विकसवा आएगा। अब विकसवा आया ही नहीं, एक गीत में विकसवा पे सुना ही दूं क्या? अब मेरे गर्दन में विकास रूपी मच्छर जो कि मेरे मुंह पे आ गया, थोड़ा सा अगर मेरा गला गड़बड़ा जाए तो साथ दीजिएगा, ठीक है? अरे 2014 में ब्याह भइले हो न इसमें, गवनवा भइले हो न इसमें, गवनवा भइले हो। ललना 6 साल बीतले ब्याह के विकसवा न जनावा हो, ललना 6 साल भइले ब्याह के विकसवा न जनावा हो। विकसवा कहे नहीं जन्मले, अरे राजा जी कभी यहाँ रहेंगे तब न विकसवा जन्मेगा हो। जनवरी में राजा जी जापान घूमे फरवरी, फ्रांस घूमे फरवरी, फ्रांस घूमे हो। ललना 12 मास घूमे ले विदेशवा, विकसवा न जनावा हो। ललना 12 मास घूमे ले विदेशवा, विकसवा न जनामाल हो। राजा जी को खाली विकसवा से ही नहीं मोहब्बत है, बाकी चिड़ै चुरुंग मोर कबूतर सबको तो कितना प्रेम करते हैं। अरे राजा जी के भैंस भी अरे राजा जी के गोतिया में मोर खेल